बजाज नगर में एसबीआई बैंक के ठीक सामने स्थित दी हेयर क्लब सलोन प्रोफेशनल शहर के एक उम्दा सलोन में से एक है, जहां एक ही छत के नीचे पूरे परिवार को सलोन से जुड़ी सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे हेयर स्पा के साथ ही हेयर से जुड़ी सारी सुविधा, ब्यूटी मेकअप और कई सलोन से जुड़ी तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ दी जाती है। दी हेयर क्लब की स्थापना कुछ ही दिनों पहले हुई है, लेकिन बहुत ही कम समय में द हेयर क्लब ने ऊंचाइयों को छुआ है। आए दिन हेयर क्लब द्वारा नई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर क्लाइंट को अच्छी सर्विस यहां दी जाती है, जिसके चलते लोगों में यह सैलून काफी प्रसिद्ध हो रहा है। ये जो टेक्निक है, इसके बारे में मतलब किस तरह से आपके दिमाग में आया कि इस तरह से हम अगर करते हैं तो ये जो कोरोना की सिचुएशन है इसमें हम बेस्ट जो है हमारे कस्टमर को दे सकते हैं? क्योंकि ये जो कोविड का भी चल रहा है वो मुँह और नाक ये सब अपना मास्क के रहता है, तो हमारा एक टेक्निक है जो हम थ्रेड अपने गले में बांध के वो हम क्लाइंट से ये करते हैं। आप थ्रेड को गले में डाल के मतलब थ्रेडिंग या आईब्रो जो है करती हो, कहीं आपको या इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है? मतलब हम हमारा खुद का इतना ध्यान रखते हैं कि क्लाइंट को भी कुछ ना हो और हमको भी कुछ ना हो। तो पूजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो मेकअप है, मेकअप का तो बहुत ट्रेंड है, नॉर्मली आजकल मेकअप के बिना कोई रहता नहीं है, मुझे बताइए कि किस तरह का मेकअप, मतलब आजकल का ट्रेंड क्या है, न्यू जनरेशन है किस तरह का मेकअप पसंद करती है, क्या बताना चाहोगे? आजकल तो डेली वेयर में सबको मेकअप करना पसंद है और सब लोग ऑफिस जाते हैं, ऑब्वियसली लाइट मेकअप तो सब करते ही है ना। तो द हेयर क्लब सैलून में हम लोग एचडी मेकअप करते हैं, जैसे हम लोग क्रायलॉन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मैक के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ करेक्टिव मेकअप होता है, एचडी मेकअप होता है और पार्टी वेयर मेकअप है, लाइट मेकअप है, किसी को सिंपल मेकअप चाहिए, पार्टी वेयर मेकअप चाहिए तो वो हम सब करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हेयर स्टाइल की, हेयर ड्रेसिंग की और हेयर से जुड़ी तमाम चीज़ों की। हमारे साथ है द हेयर क्लब के सीनियर हेयर स्टाइलिश आवेश। क्या बताओगे आवेश, आपने बहुत मतलब आपको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, क्या बताओगे द हेयर क्लब में किस तरह एक्सपीरियंस है और आपकी पर्सनल जर्नी? हाय, मेरा नाम आवेश है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 7 साल का है, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ एंड 3 साल से मैं नागपुर पे हूँ। 3 साल से मैं पहले दूसरे ब्रांच में था, कट्स में चेंज में था एंड अभी सलून ओपनिंग हुआ, ये द हेयर क्लब सलून। इस पर अपन ने अभी सोचा है कि कुछ नया दूंगा कस्टमर को एंड कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। आवेश, आप अभी ये कट कर रहे हो, कौन सी कट जो है कर रहे हो और फिलहाल जो है जो यंगस्टर है उनमें कौन सा ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, क्या बता? अभी तो ज़्यादा स्लोप पे चल रहा है एंड साइड पार्टिंग एंड फ्लपी स्पाइक कर सकते हैं अपन, और बहुत सारे स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत सारा लुक आ जाता है, और अपने से अगर ट्राई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको सैलून ज़्यादा विजिट नहीं करना पड़ेगा। यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप में थोड़ा स्टाइल दिखना चाहिए आप पे, और जैसे बाहर निकले तो सभी आपको देखे कि आप कुछ स्टाइल करके हो, थोड़ा ट्रेंड अलग दिखना चाहिए लोगों को कि कुछ अलग है इस पे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कस्टमर को कुछ अलग दें, जैसा कस्टमर हमारे पास आए सैलून विजिट करे और हमसे हेयर कट करे तो उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।